हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब मेरे घर में रोज ब्रेकफास्ट तो मैं ही बनाता हूं, और जब भी मैं रोज सुबह उठता तो मैं सोचता हूं यार क्या ऐसा हेल्दी बनाऊं, क्या ऐसा टेस्टी बनाऊं और जो जल्दी भी बन जाए। आप भी यही सोचते हो ना? वो जो इंस्टेंट इडली की रेसिपी थी जो मैंने कल बताई थी, उससे आप एक शानदार रेसिपी बना सकते हो। सुबह आधे घंटे में पूरी बन जाती है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ये वीडियो देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिली इडली बनाने के लिए काफ़ी सारा लहसुन लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है और 2-3 हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपको स्पाइसी बनाना है तो आप हरी मिर्चें डालना, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ना ही डालना। साथ में मैंने सब्जियां ली हैं, जो बेसिक सब्जियां होती है कोई भी इंडो चाइनीज चीज बनाने के लिए, जैसे कि एक प्याज, कैप्सिकम लिया है अलग अलग कलर की, हरा प्याज भी लिया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम थोड़ा सा हेल्दी बनाएंगे, तो हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर और भी सब्जियां ली हैं ग्रेवी बनाने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रोकली ली है, गाजर ली है, आप यहाँ पर बीन्स भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और सच बोल रहा हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां डाल रखी हैं। तो आपने पहले तो बेसिक चॉपिंग करनी है, मतलब यानी कि आपने प्याज के बल्ब्स निकालने हैं, तो बस आपको चाकू से ऐसे स्लाइसेस करने हैं और ऐसे आराम से अनियन के बल्ब्स निकल जाएंगे। अब जो ये बीज वाला पार्ट रह गया है, इसको आप अभी साइड रख दो, मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रेवी में कैसे काम आएगा, इसकी ग्रेवी बनाने में। अब क्योंकि आपने अनियन के बल्ब्स निकाले हैं तो आपने यहाँ पर कैप्सिकम के भी बल्ब्स ही निकाले हैं। अब बहुत लोग ये गलती करते हैं कैप्सिकम में कि कैप्सिकम को बाहर से काटने की कोशिश करते हैं। देखो, आप कैप्सिकम को बाहर से मत काटना, आप अंदर से ही इसको स्लाइस करना, क्योंकि अंदर की सरफेस काफ़ी नरम होती है तो बहुत आराम से कैप्सिकम स्लाइस हो जाती है, चाहे वो कोई भी कैप्सिकम हो, रेड हो, येलो हो, कोई भी हो, अंदर से ही स्लाइस करना ज़्यादा बेटर रहता है। अब ये तो हो गई थोड़ी सी स्लाइसिंग, लेकिन अब कर लेते हैं चॉपिंग। तो आपको यहाँ पर गार्लिक को एकदम फाइनली चॉप करना है, सेम आपको जिंजर को भी यानी कि अदरक को भी फाइनली चॉप करना है। लेकिन बात आती है बाकी चीज़ों की, जैसे बाकी सब्जियों की। हरी मिर्च को मैंने यहाँ पर बस हल्के से स्लाइसेस मार दिए हैं, यानी कि उनमें बस ऐसे कट मार दिए हैं, आप इनमें चीरा भी लगा सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। अब मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि हमने इसमें क्या क्या सब्जियाँ डाली हैं, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप सब्जियों को, जैसे जो भी बची हुई सब्जियाँ हैं, जैसे हमारा प्याज बचा हुआ था उसका सेंटर वाला पार्ट, तो उसको एकदम फाइनली चॉप कर दो। कैरेट को भी आप एकदम रफली छोटा छोटा काट लेना, ताकि पता ना चले कि अच्छा इसमें गाजर भी डली हुई है। गाजर का जो ये नीचे वाला पार्ट है, इसको तो आप ऐसे छोटा छोटा सीधा ही चॉप कर लेना, लेकिन जो ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको तो आपने हाफ करना ही पड़ेगा, और उसके बाद मैंने ऐसे लेंथ में करके छोटा छोटा कर लिया है। और सेम मैंने ब्रोकली के साथ भी किया है, ब्रोकली को भी मैंने एकदम छोटा छोटा काटने की कोशिश करी है, ताकि जब हम इसको ग्रेवी में बनाएंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन तब भी खाने में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब लास्ट चीज़ रह गई है, वो है हरा प्याज। तो हरा प्याज का जो हरा वाला पार्ट है, उसको आप ऐसे चॉप कर लेना, और जो रहा वाइट वाला पार्ट, उसको भी आप ऐसे स्लाइसेस कर लेना। हाँ, लेकिन दोनों को अलग रख, क्योंकि एक है गार्निशिंग के लिए और वाइट वाले पार्ट को हम शुरुआत में डालेंगे। अब हमारी सारी चीज़ें कट चुकी हैं, बस इडली रह गई है, और इडली को मैंने लंबे लंबे लेंथ में काटा है। देखो, आप चाहो तो आप इसको 4 पीसेस में भी कर सकते हो, थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन रखा है ताकि देखने में कुछ नया लगे, अलग लगे। आप चाहो तो आप इडली को 4 पीसेस में भी काट सकते हो, उसमें क्या होता है कि जब आप उसको मिक्स करोगे तो वो टूटता नहीं है। जो ऐसे लंबा लंबा मैंने काटा है, इसको मिलाना थोड़ा सा ईजिली मिलाना पड़ेगा, क्योंकि टूटने के चांसेस होते हैं। अब फटाफट यहाँ पर हमारी ग्रेवी की सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, बस आपको 2 टेबलस्पून चाहिए सोया सॉस, साथ में थोड़ा सा विनेगर चाहिए, लगभग 2 टीस्पून्स के आसपास। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर चिली सॉस डाली। अब चिली सॉस मेरी थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस डाल दी है इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ आपको केचप डालनी है इसमें, ताकि जो टेस्ट है वो हल्के सा स्वीट एंड स्पाइसी आए और हर एक को बहुत अच्छा लगे। बस आप इसको मिला देना, और इसमें लगभग आप 2-3 कप पानी डालना। जी हाँ, 2-3 कप आपने पानी डालने हैं,
क्योंकि जो इडली है वो सारा सॉस का पानी आराम से पी जाएगी और तभी तो अंदर तक टेस्ट आएगा, है ना। तो अब टाइम हो गया है इस ब्रेकफास्ट को बनाने का। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, जी हाँ आप वॉक भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कुकिंग करनी है हाई फ्लेम, तो आप यहाँ पर डालें थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा ही डालना है। वेट करना है कि तेल बहुत गर्म होना चाहिए, यानी कि इतना कि उसमें से धुएं निकलने चाहिए, तभी वो टेस्ट एकदम सही बैठेगा। हाई फ्लेम पे आप रखना और फिर आपने यहाँ पर डालने हैं कटे हुए प्याज, जितनी भी चॉप वेजिटेबल्स थी, प्याज, कैरेट्स, ब्रोकली, इसको थोड़ा सा भून लेना ताकि इनका जो फर्मनेस है वो कम हो और ये थोड़े से घुल मिल जाए। थोड़ी देर में ही, लगभग 2 मिनट्स के अंदर अंदर ही, आप यहाँ पर डाल देना चॉप्ड गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिलीज, जी हाँ। और अब आपने यहाँ पर तब तक भुनाई करनी है जब तक गार्लिक और जिंजर का जो कच्चापन है वो खत्म नहीं हो जाता। ओनली 1-1.5 मिनट्स काफी हैं। फिर आप यहाँ पर बाकी जितने भी हमने बल्ब काटे थे ना, अनियन, कैप्सिकम के, वो आप यहाँ पर डाल देना, और साथ में आप यहाँ पर व्हाइट पार्ट ऑफ ग्रीन अनियन, यानी कि सफेद पार्ट हरा प्याज का, वो भी आप यहाँ पर डाल देना। लगभग 2 मिनट्स आपने भुनना है, बहुत देर तक नहीं भुनना, क्योंकि हमें प्याज और कैप्सिकम थोड़े से कड़क चाहिए, इसलिए ज्यादा देर मत भुनना। थोड़ी देर भुनने के बाद ही आप यहाँ पर डाल देना नमक, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर चीनी का पाउडर डाला है। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास पाउडर पड़ा हुआ था तो मैंने पाउडर डाल दिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर डाला है काफी सारा, और बस यही आपको नमक मिर्च मसाले डालने हैं, और कोई चीजें डालनी ही नहीं। इसके बाद बस आप यहाँ पर सॉस डाल देना और आपको वेट करना है कि सॉस में उबाला आना शुरू हो जाए। और जैसे ही आपकी सॉस में अच्छे से उबाला आना शुरू हो जाए, बस वही टाइम है कि आपने यहाँ पर कटी हुई इडली को डालना है और आप इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिलाना शुरू करना, साइड टू साइड से, यानी कि आप सेंटर में करछी डाल रहे हो क्योंकि उससे इडली टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साइड टू साइड इसको मिक्स करने की कोशिश करना, यानी कि कढ़ाई की साइड से, ताकि इडली टूटे ना, और बहुत ही हल्के हाथ से। अभी भी मैंने फ्लेम को हाई पे ही रखा है। थोड़ी देर तक आपने पकाना है, बहुत देर तक नहीं पकाना। नमक मिर्च आप एंड में टेस्ट कर लेना, अगर आपको ठीक लगता है तो रेसिपी पूरी तैयार है। बस एंड में आपको गार्निशिंग करनी है, मैंने थोड़े से सेसमी सीड्स डाले हैं, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा प्याज डाला है, और बस आपका ब्रेकफास्ट पूरा तैयार है ना, बहुत सिंपल।